देखिए इस इलाके में तो हमको लगता है सीसीटीवी भी होगा ही। हाँ है, चेक कर रहा है। सीसीटीवी निकला है, फुटेज भी आया है, क्लियर फुटेज नहीं आया है। मोटरसाइकिल से हेलमेट लगा के ऐसी घटना इसी इलाके में लगातार दूसरी बार हुई है। प्रशासन इतनी असमर्थ क्यों है कि लगातार ऐसी घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं? प्रशासन इतनी असमर्थ क्यों है ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। मैंने तो एक दफ़ा कहते रहा हूँ, लगता नहीं कि सरकार की कोई प्रायोरिटी लिस्ट में है अपराध को काबू करने, और इसलिए लगातार यही नहीं बल्कि पूरे राज्य में। और यहाँ तो अभी जैसे लोग बताएं कि यहीं बगल में कोई ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ भी दिन दहाड़े से हत्या हो गई। तो ये लगता है कि प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से जो अपराधियों में भय होना चाहिए वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि या तो सरकार अपराधियों से डरी हुई है या तो सरकार घिरी हुई है। दो ही स्थिति में अपराधी इतना बेखौफ अपराध करते हैं, या तो सरकार उनसे घिरी हुई है या फिर अपराधियों से डरी हुई है, नहीं तो फिर इतनी बेखौफ होकर के अपराधी अपराध नहीं कर सकता है। मेन रोड से शका हुआ और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पूरा भीड़ भाड़ की इलाका है। तो हमें लगता है कि सीसीटीवी वगैरह जरूर इस क्षेत्र में लगा ही होगा। करीब 10 महीनों में 150 हत्या हो चुकी है, ठीक नहीं नहीं पता है। इसलिए आज तो इतना ही हम कहेंगे कि सरकार को बिना विलंब किए इन सारे हत्यारों को पकड़नी चाहिए और उनको कठोर सजा जो होती है वो सजा मिलनी चाहिए। अक्सर देख रहे हैं कि पुलिस जो है हत्यारों के ऊपर तरह से कह सकते हैं कि उसको ठीक से सजा नहीं दिला पा रही है, फिर 6 महीने 1 साल के अंदर में हत्यारा छूट जाता है, फिर से अपराधी को अपना करते हैं। नहीं, मैं तो वही तो बता रहा हूँ कि जब अपराधियों से सरकार घिरे रहेगी या डरी रहेगी तो फिर वो सजा दे नहीं पाएगी। जो तथ्य होता है, जो सबूत होता है, उसके अगेंस्ट में उसको इकट्ठा करना पुलिस का काम होता है। लेकिन पुलिस आज के तारीख में झारखंड प्रदेश में अपना जो पुलिस का काम जो होता है वो काम छोड़ करके बाकी सब काम पुलिस कर रही है। और पुलिस कर रही ऐसा नहीं बल्कि सरकार उन लोगों से अन्य कामों में लोगों को लगा रखे हैं, और जिस कारण से उनकी जो प्रायोरिटी है पुलिस की कि अपराधियों को पकड़ना, उनके विरोध में जितने भी सबूत है उसको इकट्ठा करना, उनको सजा दिलाना, लेकिन वो काम पुलिस करती नहीं है क्योंकि उनके पास समय बचा हुआ नहीं, वो अन्यत्र कामों में पुलिस लगी हुई है। आप पिछले दिनों रांची में ही देखे होंगे घटना घटी, नहीं धुरवा थाना में भी हुआ, मेन रोड में भी जो घटना घटी थी उस वक्त भी जो पुलिस जांच की और जांच की बाकी जो गठित हुआ, लेकिन आज तक हमने अखबार में ही देखा कि आज तक कोई जांच रिपोर्ट सबमिट ही नहीं किया गया, मैंने क्या जांच हुआ नहीं हुआ। तो इसे आप समझ सकते हो कि अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी, ईमानदारी से नहीं करेगी, तो फिर अपराधी वैसे ही अपराध करते हैं, वो बेखौफ होकर के अपराध करते हैं। आज राज्य की यही हालत है, राज्य की पुलिस की यही हालत हो गई है, पूरे राज्य में ऐसे ही है। हमारे पास तो रोज़ लोग आते हैं, आज भी लोग आए थे धुरवा तरफ से, वहाँ तो पुलिस ही ने पब्लिक को पीटा और फिर दारू वारू पी करके और फिर उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर केस कर दिया। तो ये इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं, लेकिन हम आज यहाँ आए हैं और पता चला कि बगल में भी जो घटनाएं हुई थी, और हमें लगता है कि और इतनी सारे पेट्रोलिंग पार्टी भी रहती है तो कम से कम सीसीटीवी बाकी वगैरह सब ठीक करना चाहिए और पेट्रोलिंग को भी दुरुस्त करना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।